कोटा में 24 घंटे के भीतर दो और बच्चों ने खुदकुशी की। बहुत छोटा टर्म है एक्सेप्टेंस। कोटा वन डे टू सुसाइड। कोटा 24 घंटों में दो सुसाइड्स। ये स्टेटमेंट सुनने में या बोलने में जितना आसान है, ये टॉपिक उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। राजस्थान के कोटा सिटी जो दावा करती है कि हमारे सिटी में नीट और जेईई के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट और बेस्ट टीचर्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ द इंडियंस ये मानते भी हैं ड्यू टू देयर पास्ट सिलेक्शन रिपोर्ट्स। एंड एक बात और है कि कोटा सिटी में सक्सेस रेट 30% से ऊपर ही रहता है। कोटा में अप्रॉक्स 1.5 से 2.5 लाख स्टूडेंट हर साल आते हैं। वो यहाँ 11th and 12th तो करते ही हैं, बट उनका मेन मोटिव होता है इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना। इनके लिए उन्हें इसका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है, एंड वो इसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कोटा आते हैं। सो एज आई मेंशन कि कोटा में 30% सक्सेस रेट होता है, सो इट मींस कि 70% लोग इन एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाते ड्यू टू मैनी रीजंस। एंड देन इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के प्रेशर को झेल नहीं पाते। देन 28th of August 2023, 2 18 years old नीट एस्पिरेंट्स आविष्कार कासले एंड आदर्श राज फाउंड डेड बाय सुसाइड। ये कोटा के लिए एक नॉर्मल न्यूज हो सकती है, बट उन विक्टिम्स के फैमिली के लिए नहीं। सो अगर हम बात करें आविष्कार कासले की, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला था, करीब 2:03 बजे वो अपने कोचिंग में एक टेस्ट देता है, एंड देन वो कोचिंग में 6th फ्लोर पे जाकर वहां से जंप कर देता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, एंड देन डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। कुछ घंटे बाद ही 7 बजे के करीब एक और न्यूज आती है आदर्श राज की, जो बिहार से था एंड वाज फाउंड हैंगिंग ऑन हिज रेंटेड फ्लैट। ये दोनों ही इंसिडेंट आफ्टर टेस्ट हुए हैं, जिसमें ये स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, एंड आफ्टर दिस दे डिसाइड टू क्विट देयर लाइफ। राजस्थान गवर्नमेंट ने सारे इंस्टीट्यूट से कहा है कि 2 मंथ तक कोई भी टेस्ट ना लिए जाएं। वी डोंट थिंक कि ऐसा करने से राजस्थान गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, मे बी वो इस मामले को कुछ टाइम के लिए शांत करना चाहती है। सो हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में अकॉर्डिंग टू पुलिस डाटा 2022 में 15 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था कोटा शहर में, एंड ये नंबर फ्लैक्चुएट भी हो सकते हैं, नोबडी नोज। एंड कई कोटा के स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो सिर्फ ब्रिलियंट बच्चों पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी रिपोर्ट्स पब्लिक करनी होती हैं, ताकि हर साल वो मोस्टली बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में कैप्चर कर सकें। इससे एक एवरेज स्टूडेंट पर ध्यान कम दिया जाता है। कोटा में स्टूडेंट को अपने कोचिंग के साथ अपने स्कूल का सिलेबस को ही मैनेज करना पड़ता है, जो कि उन्हें काफी प्रेशराइज फील करवाता है, एंड उनकी सोशल लाइफ तो मानो खत्म ही हो जाती है। एंड यही सब फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट के सुसाइड से। आपको इस बारे में क्या लगता है, एंड हम इसे कैसे रोक सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में।